गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट पार्ट टू ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया। पिछले वीडियो में हमने नेशनलिज्म इन इंडिया जो आपके चैप्टर में है 1914 टू 1935 उसका बैकग्राउंड डिस्कस किया था। इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर एंड वी आर स्टडिंग द डेवलपमेंट ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया That led to the freedom of India from the British rule. So the first topic is the First World War, Khilafat and non-cooperation. These three main things we will discuss in this video. The First World War. You know that First World War, 1914 to 1918. This was the duration of First World War. जो पहला वर्ल्ड वॉर है वो 1914 में शुरू हुआ और 1918 में खत्म हुआ था। इसका इंडिया पे क्या इंपैक्ट पड़ा, व्हाट वाज द इंपैक्ट ऑन इंडियन नेशनलिज्म ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। इंडियन नेशनलिज्म डेवलप्ड बिकॉज ऑफ सम कॉजेज। अब सबसे पहले क्या था कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान कुछ नई पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सिचुएशंस क्रिएट हुई जिनकी वजह से नेशनलिज्म के डेवलपमेंट में हेल्प मिली। फॉर एग्जाम्पल द फर्स्ट इज वॉर क्रिएटेड न्यू इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिचुएशंस। कौन सी इकोनॉमिक और कौन सी पॉलिटिकल सिचुएशंस क्रिएट हुई, सबसे पहले देखते हैं इंक्रीज इन डिफेंस एक्सपेंडिचर। क्योंकि जब कोई भी कंट्री अगर वॉर फाइट करेगी तो डिफेंस के लिए उसको नए इक्विपमेंट्स और वेपन्स एक्सेट्रा उसको जरूरत पड़ेगी, तो इसलिए उसको ज़्यादा खर्चा उसमें लगाना पड़ेगा। तो जब ब्रिटिश ने इंडिया को वर्ल्ड वॉर में इंक्लूड कर लिया, इन्वॉल्व कर लिया, तो उसके बाद क्या बढ़ गया, डिफेंस एक्सपेंडिचर। इट मीन्स जो वॉर में आने वाली चीज़ें हैं, काम आने वाली चीज़ें, उनकी ज़्यादा ज़रूरत पड़ी और इसलिए ये खर्चा बढ़ गया, एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो गया। सेकेंड थिंग, इनकम टैक्स वॉज इंट्रोड्यूस्ड। अब इस एक्सपेंडिचर को ओवरकम करने के लिए या फिर इसको स्पेंड करने के लिए जो पैसे की जरूरत थी वो कहाँ से आएगा, इसके लिए क्या किया, कस्टम ड्यूटीज बढ़ा दी गई जिससे ट्रेडर्स को नुकसान हुआ, छोटे मैन्युफैक्चरर्स को नुकसान हुआ, और इसके साथ में इनकम टैक्स बढ़ा दिया, मतलब इनकम टैक्स जो है इंट्रोड्यूस कर दिया और बाकी टैक्सेस को इंक्रीज कर दिया। सो दिस थिंग मीन्स ब्रॉट द हार्डशिप अमंग द पीपल, राइट, द पीपल बिकेम वेरी डिससेटिस्फाइड ड्यू टू दीज काइंड्स ऑफ इंक्रीजिंग इन द टैक्सेस एंड द वॉर एक्सपेंडिचर। तो इससे क्या हुआ कि प्राइसेस जो है वो जो जरूरी प्राइस जरूरी कमोडिटीज थी, जो काम आने वाली डेली की चीजें हैं, उनकी प्राइसेस में क्या हुआ, इंक्रीजिंग हो गया। और प्राइसेस अगर हम देखेंगे 1913 से 1913 में जितनी प्राइसेस थी 1918 तक आते आते उससे डबल हो गई, राइट, डबल प्राइसेस हो गई। तो इससे लोगों को बहुत ज्यादा दिक्कत आई, स्पेशली दोज पीपल हु आर पुअर पीपल, दे कुड नॉट गेट ईजिली देयर डेली यूजेज कमोडिटीज, राइट, बिकॉज दे डिड नॉट हैव मच अमाउंट ऑफ मनी। तो ये आ गया नेक्स्ट। इसके बाद एपिडेमिक, इट लेड टू इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक। क्यों, क्योंकि फसल इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं होती थी और साथ में गवर्नमेंट की कुछ ऐसी पॉलिसीज थी जो पीजेंट्स और फार्मर्स के लिए अच्छी नहीं थी, और साथ में इस तरह की सिचुएशन होना, प्राइसेस बढ़ना और लोगों को हार्डशिप का सामना करना पड़ा, तो इसलिए एपिडेमिक जो है वो फैल गई जिसकी वजह से बहुत सारे लोग मारे गए। अगर हम डाटा देखेंगे तो 1920-21 तक आते आते 13 मिलियन पीपल वर पेरिश ड्यू टू द एपिडेमिक्स, राइट। सो दीज थिंग्स बिकेम वेरी कॉमन एट दैट टाइम, जिसकी वजह से लोग ब्रिटिश गवर्नमेंट से काफी नाराज थे। इसके बाद आता है एक सबसे बड़ा रीजन, फोर्स्ड रिक्रूटमेंट इन द विलेजेस। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान आपको पता है कि सोल्जर्स की जरूरत पड़ती है, जो भी है कोई भी वॉर होता है तो उसमें सोल्जर्स की जरूरत पड़ती है। ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर द ब्रिटिश गवर्नमेंट वांटेड मोर एंड मोर सोल्जर्स, सो टू ब्रिंग द सोल्जर्स दे यूज टू गो इन द विलेजेस विद द पुलिस फोर्स एंड देन दे यूज टू कैच द पीपल एंड फोर्स्ड रिक्रूटेड इन द आर्मी। जबरदस्ती उनको आर्मी में भर्ती किया जाता था, लोगों को पकड़ पकड़ के विलेजेस के अंदर।
इट वॉज कॉल्ड फोर्स्ड रिक्रूटमेंट, कि कोई नहीं चाहता कि मैं आर्मी में जाऊं या मैं वॉर फाइट करूं, लेकिन उनको जबरदस्ती पकड़ के और युद्ध लड़ने के लिए उनको भर्ती कर लिया जाता था. सो दिस वॉज कॉल्ड फोर्स्ड रिक्रूटमेंट. सो इन दिस वे द न्यू इकोनॉमिक एंड पोलिटिकल सिचुएशन क्रिएटेड ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर दैट लेड द एनरिचमेंट और एनॉयमेंट अमंग द पीपल अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट. सो दिस वॉज द डिससेटिस्फेक्शन अमंग द पीपल, जो आगे चल के नेशनल मूवमेंट का एक बहुत बड़ा रीजन बना. नाउ विल डिस्कस नेक्स्ट टॉपिक. द नेक्स्ट टॉपिक इज द आइडिया ऑफ सत्याग्रह. सत्याग्रह, जैसे आपको नाम से पता लग रहा है, सत्य प्लस आग्रह. इट इज मेड अप ऑफ टू वर्ड्स, सत्य प्लस आग्रह, मीन्स एम्फसाइज ऑन ट्रूथ, राइट, स्टेइंग ऑन ट्रूथ. वी कैन से स्टेइंग ऑन ट्रूथ, सत्य पर डटे रहना. दिस आइडिया वॉज इंट्रोड्यूस इन इंडिया स्पेशली बाय महात्मा गांधी. इट वॉज यूज इन मैनी स्ट्रगल्स एंड मूवमेंट्स. सत्याग्रह इट वॉज द मेन वेपन ऑफ महात्मा गांधी. 1913 में साउथ अफ्रीका में उन्होंने इस हथियार को यूज किया, सत्याग्रह को यूज किया, जब इंडियंस के एक छोटे से सत्याग्रह को उन्होंने लीड किया था. तो एट दैट टाइम ऑल्सो ही यूज्ड अ सत्याग्रह, मीन्स स्टेइंग ऑन द ट्रूथ और एम्फसाइज ऑन ट्रूथ, सत्य पर डटे रहना. इट मीन्स द यूजिंग बाय यूजिंग द नॉन वायलेंस. एक और हथियार था उनका, नॉन वायलेंस, अहिंसा. अहिंसा क्या होती है? नॉन वायलेंस मीन्स कि किसी को फिजिकली हार्म ना पहुंचाना. इट इज नॉन वायलेंस इन जनरल कॉमन लैंग्वेज, और वी कैन से दैट जनरल डेफिनेशन ऑफ नॉन वायलेंस, कि भाई किसी को हम फिजिकली नुकसान ना पहुंचाएं. बट अकॉर्डिंग टू महात्मा गांधी द मीनिंग ऑफ नॉन वायलेंस वॉज डिफरेंट, राइट. वो कहते थे कि सिर्फ किसी को फिजिकली नुकसान ना पहुंचाना और मेंटली नुकसान ना पहुंचाना ही नॉन वायलेंस नहीं है. नॉन वायलेंस इसके साथ में क्या है कि अगर आप किसी के बारे में गलत सोच रहे हैं, इफ यू आर टेकिंग द रॉन्ग आइडियाज, बैड आइडियाज अबाउट समबडी इन योर माइंड, दैट इज ऑल्सो वायलेंस. क्लियर? तो नॉन वायलेंस क्या है? किसी के बारे में पूरा ना सोचना और साथ में उसको फिजिकली या मेंटली हार्म ना पहुंचाना. सो व्हाट इज सत्याग्रह? इट मींस टू चेंज द माइंड ऑफ ऑप्रेसर. अगर इफ यू आर थिंकिंग दैट समथिंग इज हैपनिंग रॉन्ग, अगर इनजस्टिस हो रहा है और आप असत्य के खिलाफ लड़ रहे हैं, ठीक है, आप अन्याय के अगेंस्ट जो है फाइट कर रहे हैं, तो इसके लिए आपको फिजिकल फोर्स की जरूरत नहीं है. आपको किस चीज की जरूरत है? आपको सत्याग्रह की जरूरत है, आपको नॉन वायलेंस की जरूरत है. कैसे? आप यू विल चेंज द माइंड ऑफ ऑप्रेसर और ओपोनेंट, राइट, जस्ट बाय स्टेइंग ऑन द ट्रूथ. और इससे जो ऑप्रेसर का जो माइंड चेंज होगा, तो उससे क्या है कि आपको जस्टिस मिलेगा. यू कैन चेंज द माइंड ऑफ ऑप्रेसर विदाउट यूजिंग एनी काइंड ऑफ फिजिकल फोर्स. सो दिस इज सत्याग्रह. महात्मा गांधी ने इसको सबसे बड़ा वेपन माना है. सो मेनी पीपल वर क्रिटिसाइजिंग महात्मा गांधी दैट ही इज कोवार्ड पर्सन एंड ही इज वीक पर्सन, सो ही इज यूजिंग नॉन वायलेंस. लेकिन महात्मा गांधी ने कहा कि नॉन वायलेंस इज नॉट द वेपन ऑफ द वीक पीपल, इट इज द वेपन ऑफ स्ट्रॉन्ग पीपल, राइट. क्योंकि अपने दिमाग को नॉन वायलेंट बनाना और किसी भी इनजस्टिस के अगेंस्ट कोई फिजिकल फोर्स या बैड आइडियाज यूज ना करना, इट्स वेरी टफ फॉर एनीबडी. अंडरस्टैंड? सो इन दिस वे सत्याग्रह, आई होप दैट यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज सत्याग्रह. सत्य के लिए फाइट करना विदाउट यूजिंग फिजिकल फोर्स, सत्य पे डटे रहना और इसको नॉन वायलेंस के साथ में इसको यूज करना. तो इसका जो सबसे पहले यूज था महात्मा गांधी ने चंपारण में किया. चंपारण आपको याद रखना है, चंपारण 1917 ही विजिटेड चंपारण एंड ही लेड सत्याग्रह अगेंस्ट द ऑप्रेसिव प्लांटेशन सिस्टम इन चंपारण. तो ये प्लांटेशन वर्कर्स का एक मूवमेंट था, प्लांटेशन, राइट, इन द प्लांटेशंस, चंपारण सत्याग्रह. सेकंड वॉज खेड़ा सत्याग्रह. खेड़ा में अकाल पड़ गया था, प्लेग फैल गया था, लेकिन साथ साथ में पीजेंट्स को बहुत ज्यादा रेवेन्यू देना पड़ रहा था. तो जो ये लगान जो सिस्टम था, रिप्रेसिव रेवेन्यू सिस्टम इसको बोला गया. तो महात्मा गांधी ने 1917 में यहां पे भी पीजेंट्स का, इसको हम बोलते हैं पीजेंट सत्याग्रह,
peasants satyagraha, right? Peasants doing the satyagraha under the leadership of Mahatma Gandhi against the repressive revenue system. इसको repressive revenue system के against जो सत्याग्रह कहते हैं, इसको जो है oppressive plantation system के against सत्याग्रह कहते हैं चंपारण में, और खेड़ा में हो गया peasant सत्याग्रह, that is against the repressive revenue system. After that Ahmedabad, this was in 1918. मिल वर्कर सत्याग्रह, इट वॉज नोन एज मिल वर्कर सत्याग्रह इन कॉटन मिल्स. द वर्कर्स वर एक्सप्लॉइटेड, डिस्क्रिमिनेटेड बाय द इंडस्ट्रियलिस्ट. सो महात्मा गांधी वॉज फाइटिंग फॉर देयर राइट्स एंड ही लेट देम अगेंस्ट द एक्सप्लॉइटेशन, अगेंस्ट द डिस्क्रिमिनेशन इन द कॉटन मिल्स. तो ये तीन सत्याग्रह है, बिगिनिंग सत्याग्रह जो महात्मा गांधी, चंपारण, खेड़ा एंड अहमदाबाद. यू हैव टू रिमेंबर द नेम, प्लांटेशन सत्याग्रह चंपारण, पीजेंट सत्याग्रह खेड़ा एंड अहमदाबाद, मिलवर्कर सत्याग्रह अहमदाबाद 1918. सो इन दिस वे दिस वाज द आइडिया ऑफ सत्याग्रह बाय महात्मा गांधी. नाउ विल डिस्कस अबाउट नेक्स्ट टॉपिक. द रोलट एक्ट इज द नेक्स्ट टॉपिक. रोलट एक्ट, व्हाट वाज रोलट एक्ट? Before the First World War, the British promised Indians to take their support, and they promised them that after the First World War, you will be provided with the Swaraj. कि आपको war खत्म होने के बाद आपको Swaraj दे दिया जाएगा. लेकिन ऐसा नहीं हुआ. 1918 में war खत्म भी हो गया. उसके बाद Indians को कोई किसी तरह की new और favorable policy नहीं मिली, ना उनको Swaraj मिला. 1919 में Montagu Chelmsford Act पास किया गया. Just that was the chocolate in hands of the child. तो उससे इंडियंस को कोई सेटिस्फेक्शन नहीं मिला, उल्टा सिक्स को जो है सेपरेट इलेक्टोरल सिस्टम दे दिया, जो 1909 में मुस्लिम्स को मिला था. तो इसलिए देर वॉज डिससेटिस्फेक्शन अमंग द माइंड ऑफ द पीपल, स्पेशली द लीडर्स ऑफ कांग्रेस. इसको रोकने के लिए एक रिप्रेसिव जो है लॉ पास किया गया. इट वॉज पास ऑन 18th March 1919. This act was passed by Imperial Legislative Council. This was passed by Imperial Legislative Council, and it was very repressive and insulting act for Indians. क्यों? It was giving the enormous powers to government to repress the political activities and to detain them against the activities, those people who were doing the activities against the British government, so they could be kept by the police without any kind of trial. So according to this act, listen very carefully, according to this act, any Indian could be arrested and could be kept in the jail without any kind of trial. बिना मुकदमे के पॉलिटिकल प्रिजनर्स को जेल में डाला जा सकता था. ये इस एक्ट के अकॉर्डिंग ये पावर गवर्नमेंट को मिल गई. तो ये एक बहुत ज़्यादा इंसल्टिंग और ह्यूमिलेटिंग एक्ट था इंडियंस के लिए, बड़ी बेइज्जती की बात थी. इसलिए इसको ब्लैक एक्ट बोला गया, ब्लैक एक्ट, राइट? सो विच एक्ट वॉज कॉल्ड ब्लैक एक्ट? रोलट एक्ट, आपको याद रखना है, राइट? 18th March 1919 पास बाय इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल. तो इसके बाद में महात्मा गांधी बड़े दुखी हुए अगेंस्ट दिस काइंड ऑफ एक्ट, एंड महात्मा गांधी डिक्लेयर्ड ऑल इंडिया स्ट्राइक ऑन 6th अप्रैल 1919. सत्याग्रह का यूज करके, नॉन वायलेंस का यूज करके महात्मा गांधी डिक्लेयर्ड द स्ट्राइक, हड़ताल. तो पूरे इंडिया में इसी टाइप से स्ट्राइक्स, धरनाज और हड़ताल वर ऑर्गेनाइज. तो इसी वे में 10th अप्रैल इन दिस सीरीज 1919 फ्रॉम अमृतसर टू पॉपुलर लीडर्स वर अरेस्टेड. क्योंकि अमृतसर में भी इस तरह की हड़ताल की गई, तो वहां से पुलिस ने दो पॉपुलर लीडर्स को अरेस्ट कर लिया, डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू. आई एम रिपीटिंग द नेम्स, डॉक्टर सत्यपाल एंड सैफुद्दीन किचलू. दीज टू पॉपुलर लीडर्स वर अरेस्टेड बाय द पुलिस. इसके बाद में 11th अप्रैल को इस अरेस्टेशन के अगेंस्ट the people came on the roads and they were demanding the releasing of their popular leaders. तो इस चीज को देखते हुए वहां पे 12th अप्रैल
12 अप्रैल 1919 को अमृतसर में मार्शल लॉ लगा दिया गया। मार्शल लॉ, मार्शल लॉ लगते ही वहां पे जो जनरल था, जनरल डायर, उसके हाथ में पूरी पावर आ गई। और जब 13 अप्रैल 1919 को, 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग इन अमृतसर, जलियांवाला बाग इन अमृतसर, द पीपल गैदर्ड, 15,000 to 20,000 पीपल गैदर्ड देयर इन जलियांवाला बाग, जलियांवाला बाग अगेंस्ट दिस एक्टिविटी डन बाय द पुलिस, राइट, अगेंस्ट द मार्शल लॉ। लेकिन ऐसे बहुत ही कम लोग थे जलियांवाला बाग में जो रोलेट एक्ट का जो है विरोध करने आए थे, या फिर उनके पॉपुलर लीडर्स को रिलीज करवाने की डिमांड लेकर आए थे, ऐसे तो बहुत कम लोग थे। तो ज्यादा लोग कौन थे? ज्यादा लोग थे इनोसेंट पीपल, दोज हु वर चिल्ड्रन, विमेन, ओल्ड पीपल, एंड स्पेशली द पीपल हु यूज्ड टू, हु केम देयर फॉर एंजॉयमेंट इन द बैसाखी फेयर, क्योंकि उस दिन बैसाखी का मेला लगा हुआ था जलियांवाला बाग में, राइट। और लोग जो है मेले में आए थे, और रोलेट एक्ट के अगेंस्ट तो थोड़े से लोग आए थे। सो जनरल डायर केम देयर विद फुल पुलिस फोर्स एंड विदाउट एनी काइंड ऑफ वार्निंग टू पीपल, ही ऑर्डर्ड फॉर फायरिंग ऑन द पीपल, एंड देयर वर एज आई टोल्ड यू दैट वन एग्जिट पॉइंट एंड दैट वाज क्लोज्ड बाय द पुलिस, क्लियर। और वहां पे 15,000 to 20,000 लोग थे, उनके ऊपर गोलियां, 10 मिनट तक गोलियां जो है बरसाई गई, एंड इन विच थाउजेंड्स ऑफ पीपल वाउंडेड। अगर हम एक रिपोर्ट देखें गवर्नमेंट की, तो उस टाइम जो रिपोर्ट आई थी 1,000 पीपल वाउंडेड एंड 300 डाइड। लेकिन जो बाद में कांग्रेस ने एक रिपोर्ट पब्लिश की थी, उसके अकॉर्डिंग इन रियल फिगर्स वॉज 3,000 पीपल इंजर्ड एंड वाउंडेड एंड मोर देन 1,200 पीपल डाइड, क्लियर, वर किल्ड इन जलियांवाला बाग मैसेक्रे। सो दिस वॉज कॉल्ड जलियांवाला बाग मैसेक्रे एंड इट वॉज वेरी कंडमनेबल और द बैड इंसिडेंट फॉर इंडियंस। महात्मा गांधी बिकेम वेरी अपसेट आफ्टर दिस इंसिडेंट एंड ही थॉट दैट अ बिग मूवमेंट कुड बी स्टार्टेड अगेंस्ट द ब्रिटिश की, अब कोई ना कोई ऐसा स्टेप उठाना पड़ेगा ब्रिटिश के अगेंस्ट, हमें एक बड़ा मूवमेंट जो है चलाना पड़ेगा। सो दिस वॉज जलियांवाला बाग इंसिडेंट एंड रोलेट एक्ट, बोथ आर इंटरकनेक्टेड। हम क्या कर रहे हैं? हम जा रहे हैं नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की तरफ, क्लियर। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के ड्यूरिंग हम पढ़ चुके हैं कि उस दौरान कौन सी न्यू पॉलिटिकल और जो इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है सिचुएशंस क्रिएट हुई। इसके बाद खिलाफत और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट साथ साथ चल रहे हैं, राइट। तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की तरफ जा रहे हैं क्योंकि दीज इंसिडेंट्स लेट द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। फॉर एग्जाम्पल 1916 लखनऊ पैक्ट, आफ्टर दैट 1917 चंपारण, 1917 खेड़ा, और 1918 अहमदाबाद मिल वर्कर सत्याग्रह। ये तीन ऐसे सत्याग्रह थे जिनकी सक्सेस ने महात्मा गांधी के दिमाग में ये डाला कि हम ब्रिटिश के अगेंस्ट अगर सत्याग्रह करें, अगर हम ब्रिटिश के अगेंस्ट कोई नॉन वायलेंट मूवमेंट चलाएं, राइट, तो इससे हम ब्रिटिश का माइंड चेंज कर सकते हैं और उनकी पॉलिसीज को अफेक्ट भी कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू अस एंड फेवरेबल कंडीशंस फॉर इंडियंस कुड बी इम्प्लीमेंटेड बाय फोर्सिंग द ब्रिटिश बाय यूजिंग द नॉन वायलेंस, राइट। तो ये उनका आइडिया था। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस वीडियो, व्हाई नॉन कोऑपरेशन 1.3। अब तक हमने पढ़ा जलियांवाला बाग मैसेकर, रोलेट एक्ट आर इंटरकनेक्टेड, आफ्टर विच वन मोर थिंग इज देयर अबाउट खिलाफत। 1914 में जब वॉर स्टार्ट हुआ था तो ब्रिटिश गवर्नमेंट वॉन्टेड टू टेक सपोर्ट ऑफ ऑल द लीडर्स ऑफ कांग्रेस एज वेल एज ऑफ मुस्लिम लीग। कांग्रेस ने सपोर्ट कर दिया इन प्लेस ऑफ द प्रोमिस दैट दे वुड बी प्रोवाइडेड स्वराज, इंडियंस वुड बी प्रोवाइडेड विद द स्वराज। लेकिन मुस्लिम्स ने जो है ब्रिटिश को सपोर्ट नहीं किया। वाई? क्योंकि इन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ब्रिटेन वॉज फाइटिंग अगेंस्ट टर्की, ऑस्ट्रो हंगरी, क्लियर, एंड जर्मनी, बट द मुस्लिम्स डिड नॉट वॉन्ट टू फाइट अगेंस्ट टर्की। क्यों? क्योंकि टर्की का जो सुल्तान था ही वॉज द इस्लामिक गुरु और इस्लामिक मीन्स लीडर ऑफ ऑल द मुस्लिम्स इन द वर्ल्ड, जिसको खलीफा बोला जाता था, खलीफा, राइट। तो दे वॉन्टेड टू सेव द पावर ऑफ खलीफा एंड दे डिड नॉट वॉन्ट टू फाइट अगेंस्ट देयर खलीफा।
तो इसलिए ब्रिटिश ने उनको प्रोमिस किया कि टर्की के अगेंस्ट कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा. आफ्टर द वॉर द खलीफा वुड बी रिस्पेक्टेड राइट विदाउट एनी काइंड ऑफ हार्म, टर्की वुड बी लेफ्ट. लेकिन जैसे वॉर खत्म हुआ तो एक र्यूमरस फैल गया कि टर्की के कई डिवीजन कर दिए गए हैं, खलीफा को अरेस्ट कर लिया गया, उसकी पावर्स को छीन लिया गया. तो इसलिए इंडियन मुस्लिम्स ने खलीफा की टेम्पोरल पावर्स को प्रोटेक्ट करवाने के लिए ये खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट कर दिया. और इसकी सबसे पहले बिगिनिंग हुई थी मार्च 1919 में, खिलाफत कमेटी बनाई गई राइट. खिलाफत कमेटी वॉज सेटअप इन मार्च 1919 इन बॉम्बे. महात्मा गांधी ने सोचा कि जब तक हिंदू और मुस्लिम यूनाइट नहीं होंगे तब तक ब्रिटिश के अगेंस्ट बड़ा मूवमेंट नहीं स्टार्ट किया जा सकता. सुनाओ, महात्मा गांधी गॉट द अपॉर्चुनिटी टू यूनाइट मुस्लिम्स एंड हिंदूज बाय सपोर्टिंग खिलाफत कमेटी. तो महात्मा गांधी क्या चाहते थे, खिलाफत कमेटी को सपोर्ट करके और खिलाफत मूवमेंट को सपोर्ट करना चाहते थे ताकि एक बड़ा मूवमेंट जो है ब्रिटिश के अगेंस्ट स्टार्ट किया जा सके. तो इसी टॉपिक में आते हैं व्हाई नॉन कोऑपरेशन राइट. खिलाफत कमेटी बनने के बाद में महात्मा गांधी ने उनको सपोर्ट करने की बात कही और इसके लिए नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का उन्होंने सबसे पहले बात की. तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट किया जाए इसके लिए कैलकटा में एक इमरजेंसी सेशन बुलाया गया. कैलकटा सेशन, कांग्रेस सेशन, इट वॉज कॉल्ड इन सेप्टेम्बर 1920 में. कांग्रेस के दो सेशन हुए थे, एक नागपुर में, नागपुर ये तो एनुअल था जो दिसंबर में होता था, नागपुर सेशन नागपुर में हुआ, ये दिसंबर 1920 में हुआ, और एक हुआ था सितंबर 1920 में. ये इमरजेंसी सेशन था जो बुलाया गया था. महात्मा गांधी ने सितंबर 1920 में कलकत्ता सेशन में क्या किया था, ही कन्विंस्ड ऑल द लीडर्स ऑफ कांग्रेस एंड अदर पार्टीज टू स्टार्ट द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट अगेंस्ट द ब्रिटिश. लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग थे जो जैसे रोलेट एक्ट के अगेंस्ट इलेक्शंस का विरोध किया गया था उसमें, तो जो जस्टिस पार्टी थी साउथ में नॉन ब्राह्मण पार्टी उसने पार्टिसिपेट किया, तो इसलिए वो सभी पार्टीज को मनाना चाहते थे. तो उन्होंने कन्विंस किया कलकत्ता सेशन में और दिसंबर में नागपुर के अंदर उन्होंने डिक्लेरेशन कर दिया, मूवमेंट का डिक्लेरेशन कर दिया. और जनवरी 1921 में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट हो चुका था विद खिलाफत मूवमेंट. और खिलाफत मूवमेंट जो था उसके जो लीडर्स थे अली ब्रदर्स, उनको महात्मा गांधी ने सपोर्ट किया. शौकत अली एंड मोहम्मद अली, आपको नाम याद होने चाहिए. अली ब्रदर्स खिलाफत मूवमेंट वॉज स्टार्टेड, अली ब्रदर्स, शौकत अली एंड मोहम्मद अली. अब ये बात आती है कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट कर दिया, लेकिन उससे पहले हम डिस्कस करेंगे कि नॉन कोऑपरेशन की पॉलिसी क्यों अडॉप्ट की महात्मा गांधी. व्हाई डिड महात्मा गांधी वांट टू स्टार्ट द पॉलिसी ऑफ नॉन कोऑपरेशन. 1909 में महात्मा गांधी ने एक बुक लिखी जिसका नाम था हिंद स्वराज, हिंद स्वराज. इन दिस बुक महात्मा गांधी एक्सप्लेन्ड दैट द ब्रिटिश केम हियर एंड दे स्टार्टेड ट्रेड ओनली विद द कोऑपरेशन ऑफ इंडियंस. जब इंडियंस ने कोऑपरेशन किया तो वो व्यापार शुरू कर पाए, यहाँ पे इंडियन किंग्स को ही हरा पाए, यहाँ पे पॉलिटिकल पावर उन्होंने सेटअप की, इकोनॉमिक पावर उनके हैंड्स में आई ओनली ड्यू टू द कोऑपरेशन ऑफ इंडियंस. लेकिन अगर हम उनको कोऑपरेट करना बंद कर दें तो विद इन वन ईयर देयर रूल वुड बी कोलैप्स्ड. तो इसलिए महात्मा गांधी ने कहा कि वी शुड नॉट कोऑपरेट द ब्रिटिश गवर्नमेंट. इसलिए ही अडॉप्टेड द पॉलिसी ऑफ नॉन कोऑपरेशन एंड इन दिस वे दिस थिंकिंग लेड टू द स्टार्टिंग ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट बाई सपोर्टिंग खिलाफत मूवमेंट. तो इस तरह से दिसंबर 1920 में डिक्लेरेशन हुआ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का और खिलाफत मूवमेंट का. दोनों ही मूवमेंट आपस में हिंदू मुस्लिम जो यूनिटी थी उसके सिंबल थे और जनवरी 1921 में इनकी स्टार्टिंग हो गई थी. सो डियर स्टूडेंट्स, इन दिस वे वी हैव कंप्लीटेड दिस वीडियो एंड विद द अबाउट टॉपिक्स वी डिस्कस्ड इन दिस वीडियो. आई होप दैट यू अंडरस्टूड ऑल द टॉपिक्स. आपको रिवाइज करने हैं, वीडियो को दोबारा देखना है, पूरा देखना है. डू नॉट स्किप एनी पार्ट ऑफ दिस वीडियो, अदरवाइज यू विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड इजीली राइट. तो इसलिए आपको इनको रिवाइज करना है सभी इंसिडेंट्स को, और इससे आप नोट्स भी बना सकते हैं जिसको आप इजीली जो है याद रखने के लिए और आपके एग्जाम में काम आएंगे राइट. सो
विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो विद द नेक्स्ट टॉपिक्स. थैंक यू, हैव अ नाइस डे.